तीसरा जो प्रकार है ये कहलाता है बी एस के, जो स्टेपी जलवायु है, लेकिन जहाँ पर शीत अधिक पड़ती है तो उस जलवायु को हम बी एस के कहते हैं। और चौथी जो बी डब्ल्यू के अर्थात शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र। तो ये बी जलवायु के महत्वपूर्ण यानी कि शुष्क जलवायु के ये कुछ प्रकार हुए। अब तीसरा प्रकार हम देखेंगे उष्णाद्र समशीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र, या इसको हम कहते हैं कोष्ण जलवायु का क्षेत्र। कोष्ण जलवायु ये कहाँ पर पाई जाती है? मध्य अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा 0° निम्न अक्षांश, 90° उच्च अक्षांश, और इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम मध्य अक्षांश कहते हैं। तो मध्य अक्षांश में 30° से 50° तक महाद्वीपों के पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरफ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल लंबा होता है इसलिए इसको हम कोष्ण कहते हैं। शीतकाल कैसा होता है? एकदम मृदुल होता है, बहुत ही सामान्य शीत पड़ती है, बहुत सुहावना मौसम होता है। इस जलवायु को भी हमने, इसके लिए भी जो जलवायु संबंधी जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो जलवायु को, स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, उस आधार पर यहाँ पर भी कोपेन ने कुछ और भी लेटर्स लिए हैं। और इस लेटर्स में स्मॉल ए क्या दिखा रहा है? उष्ण जलवायु है जिसमें ग्रीष्म ऋतु बड़ी होती है और ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है 22° सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। तो इस प्रकार की जलवायु को ए कैटेगरी में रखा है। दूसरा जो है ये है बी कैटेगरी जो होती है, इसमें ग्रीष्मकाल बहुत अधिक नहीं होता और सामान्य सर्द होता है, बहुत ऊंचा तापमान नहीं जाता, कुछ कम तापमान होता है, इसको हम सर्द ग्रीष्मकाल कहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है ये सी कहलाती है। सी कैटेगरी में सर्द ग्रीष्मकाल होता है और तापमान, इस सर्द ग्रीष्मकाल में भी तापमान 10° सेंटीग्रेड से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। चौथा जो जलवायु है इसको एक्स कहा गया। एक्स का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु के अंत में ग्रीष्मकाल प्रारंभ होता है और इसी समय यहाँ पर अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि शीत ऋतु जो होती है वह भी शांत रहती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वर्षा हो रही है, ग्रीष्म ऋतु पूरी शुष्क होती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है उसे एक्स जलवायु के रूप में इन्होंने संबोधित किया है। सी जलवायु का और भी वर्गीकरण इन्होंने किया है, इसके उपवर्ग बनाए हैं। इसमें सबसे पहला है CWA, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध। आर्द्र जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है और ये जहाँ पर शीतोष्ण यानी क्रमशः उष्णता से हम शीत की तरफ बढ़ रहे, शीत और उष्ण जहाँ पर लगभग बराबर होता चला जा रहा है, ऐसे जलवायु के क्षेत्र। ये कर्क रेखा और मकर रेखा से, कर्क रेखा और मकर रेखा जानते हैं ना बच्चों, 23.5° उत्तर को कर्क और दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा से क्रमशः ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो जलवायु के क्षेत्र है ये उत्तर भारत के क्षेत्र में, यानी कर्क रेखा से आप उत्तर चले जाएंगे तो, और चीन का जो विस्तृत मैदान का क्षेत्र है यहाँ पर ये CWA प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरी जो जलवायु है ये है CS
भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर, बच्चों भूमध्य सागर कहाँ है आप जानते हैं? ये भूमध्य सागर आप देखिए मानचित्र में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में एक सागर विस्तृत है, इसको हम भूमध्य सागर मेरिडियन सी कहते हैं। इसी के नाम से भूमध्य सागरीय जलवायु विकसित हुई है। लगभग 30 अंश से 40 अंश या कहीं कहीं 45 अंश अक्षांश तक ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। सामान्य रूप से महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पर यह जलवायु पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये भूमध्य सागर के उत्तर और दक्षिण के कुछ क्षेत्र तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जो शीतकाल होती है, ये ऋतु बहुत लंबी होती है, शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। शीतकाल में वर्षा जो होती है वो 35 से 90 सेंटीमीटर के लगभग होती है, और इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं इन वृक्षों की ऊंचाई कम होती है, लेकिन इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती, इसलिए वृक्षों में छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। और बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर सबसे अधिक रसीले फलों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अधिकांश रसीले फल, नारंगी, जैतून, ये सब रसीले वृक्ष इसी क्षेत्र में मिलते हैं। तीसरे प्रकार की जो जलवायु है ये है CFA, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यहाँ पर वायु राशियाँ बहुत अस्थिर होती हैं और उसके कारण यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। इस जलवायु के जो प्रमुख क्षेत्र हैं इसमें पूर्वी USA, दक्षिणी पूर्वी चीन का क्षेत्र, दक्षिणी जापान और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र सम्मिलित है। इसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी यह क्षेत्र विकसित है। बच्चों यहाँ पर तड़ित झंझा, मतलब भयंकर तूफान जिसको हम कहते हैं, ये इस क्षेत्र की विशेषता होती है। इस क्षेत्र में शीत वाताग्र उत्पन्न होते हैं, ये इस क्षेत्र की विशेषता है। और यहाँ पर दिन और रात के तापांतर में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। और जाड़े और ग्रीष्मकाल का जो तापांतर है इसमें भी 10 से 12 डिग्री का अंतर होता है। तो ये जो प्रमुख विशेषता है यह सी प्रकार के जलवायु की है। इसके बाद जो अगली जलवायु है ये है डी प्रकार की जलवायु, शीत हिम वाले वन। डी प्रकार की जलवायु है जिसको आर्द्र वन भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो जलवायु है 40 अंश, 45 अंश और कहीं कहीं पर 50 अंश से 70 अंश अक्षांशों के बीच में यह जलवायु पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इसका विकास अधिक हुआ है। यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका का जो उत्तरी भाग है जो 40, 45 या 50 अंश से 70 अंश के बीच में आता है, यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु को भी दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो वर्ग है ये कहलाता है DF, जहाँ पर जाड़ों में ठंडी हवाएं चलती और जाड़ों में ही वर्षा होती है। यहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती, जलवायु काफ़ी ठंडी होती, जाड़ों में तो अधिक वर्षा होती, लेकिन वर्षा वर्षे तो वर्ष भर इस क्षेत्र में
होती रहती है। यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है इसमें मौसमी परिवर्तन जो है ये भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्षा कभी आकस्मिक हो जाती है और कभी अल्पकालीन वर्षा भी होती है। शीतकाल बहुत ही ठंडा होता है, तो इस प्रकार इस क्षेत्र में कोणधारी वनों का विकास होता है। कोणधारी वन, आप जैसे कोण तीर के समान नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे, पूरी पत्तियां नीचे की तरफ गिरी होती, देखिए आप यहाँ पे, तो ऐसे कोणधारी वनों का विकास इसमें होता है। दूसरी जो जलवायु है ये है DW, जाड़ा उतना ही ठंडा होता है, जाड़ा अधिक पड़ता है लेकिन पूरा जाड़ा शुष्क होता है। वर्षा बहुत ही सीमित होती है, सर्दी बहुत कठोर और उग्र प्रकार की होती है। तो उत्तरी पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो प्रति चक्रवातीय दशाओं का विकास यहाँ पर सबसे अधिक होता है, और वर्ष भर यहाँ पर तापमान जो है हिमांक से नीचे चला जाता है। तो इस क्षेत्र में वर्षा जो है 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो वर्षा होती बहुत ही कम होती है। इसके बाद जो अगली जलवायु का प्रदेश है ये है ई जलवायु, शीत जलवायु, या हम इसको ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। 70 अंश अक्षांश से ध्रुवों तक, 90 अंश तक इस जलवायु का विस्तार क्रमशः देखने को मिलता है। ये जलवायु के भी दो वर्ग किए गए हैं। पहला है ईटी जलवायु, ईटी मतलब शीत टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र, और दूसरा नाम है इसका ईएफ, एफ का मतलब है हिम टोपी वाली जलवायु। यहाँ पर वर्ष भर जाड़ा रहता है, और इस क्षेत्र में जो ईटी जलवायु है, टुंड्रा जलवायु, यहाँ पर जब ग्रीष्मकाल होता है तो बच्चों आपने सुना है कि 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है ध्रुवीय प्रदेशों में, तो इतना लंबा ग्रीष्मकाल होता है। ये ग्रीष्मकाल ऐसा लंबा क्यों होता है? ये पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, उस परिक्रमण गति के कारण जब सूर्य का उत्तरायण होता है तब दक्षिणी ध्रुव के पास में ग्रीष्मकाल होता है, और जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। ये ग्रीष्मकाल बहुत लंबी अवधि होती है, यानी ग्रीष्मकाल ऐसा होता है कि सूर्य डूबता ही नहीं है, यहाँ 24 घंटे दिन ही होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 6 महीने का दिन हो रहा है। हालांकि पूरा 6 महीना नहीं होता, लेकिन दिन की अवधि 6 महीने तक होती है और रात की अवधि भी 6 महीने तक होती है। काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है, और अत्यधिक ठंड के कारण इस क्षेत्र में पूरे हिम जम जाते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है इसे हिमटोपी या ईएफ प्रकार की जलवायु कहते हैं। ये आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्र में सबसे अधिक विस्तृत है। जल में हिम शैल जो होते हैं ये यहाँ पर प्लावी हिम शैल के नाम से यहाँ पर जाने जाते, प्लावी हिम शैल होते हैं। अंटार्कटिका में ये अधिक देखने को मिलता है, हिम जो होते हैं ये धीरे धीरे ग्रीष्मकाल में थोड़े से पिघलते हैं। वैसे तो वर्ष भर तापमान काफ़ी कम होता है, लगभग हिमांक तक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। अंटार्कटिका में लगभग 80 अंश के पास में इसे जो क्षेत्र है उसको प्लेटियो स्टेशन कहते हैं बच्चों, प्लेटियो स्टेशन ये अंटार्कटिका में है। तो ये जो जलवायु है चूँकि वर्ष भर बर्फ यहाँ जमी रहती है इसलिए हिमटोपी या ईएफ नाम से इसको संबोधित किया गया है।
इसके बाद एक और जलवायु को कोपेन ने बताने का प्रयास किया है, ये है एफ। एफ मतलब कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र में, इसको एच भी कहा है, उच्च क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु। एफ जो है वो हिमाच्छादित हुई, और एच जो है ये ऊंचे पर्वतों में, जहाँ पर लगभग 2000 मीटर या उसके ऊपर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर शीतकाल पाया जाता है और वर्ष भर हिम कभी बनता है बिगड़ता है, यानी शीतकाल में तो हिम अधिक देखने को मिलता है और ग्रीष्मकाल में ये पिघलता है। तो इस प्रकार की जलवायु एच जलवायु के अंतर्गत आती है। ये कोपेन का वर्गीकरण था। बच्चों अब हम देखेंगे कि कोपेन के इस वर्गीकरण में कौन कौन से विशेषताएं हैं जिसके कारण कोपेन का यह वर्गीकरण आज भी हम मानते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, इन्होंने आनुभविक जो वर्गीकरण किया हुआ है जिसमें वर्षा और तापमान ये महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं। ये दो तथ्य ऐसे हैं जो पूरे विश्व की जलवायु को बड़ी आसानी से दर्शाते हैं। वनस्पति का विकास वर्षा और तापमान की विभिन्न स्थितियों में कैसे होता है, कहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, कहाँ सदापर्णी वन पाए जाते हैं, कहाँ घास प्रमुख विशेषता वनस्पति की है, तो कहाँ पर शुष्क झाड़ियाँ पाई जाती है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में वनस्पतियों की जो भिन्नताएं हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से कोपेन महोदय ने प्रस्तुत किया है, और यही इनके विभाजन की प्रमुख विशेषता है।